हाय गाइस, आज हम बात करते हैं इनहेरिटेंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस प्रोग्रामिंग का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें रीयूजबिलिटी ऑफ कोड मिलता है, विच मींस के हमें एक बार कोड बनाना पड़ता है और उस कोड को हम किसी दूसरे प्रोग्राम के अंदर अगेन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रीयूजबिलिटी ऑफ कोड कहलाता है कि एक प्रोग्राम आप कोई बनाए या एक कोई क्लास बनाए और उसको किसी दूसरी क्लास में यूज़ कर लें या किसी दूसरे प्रोग्राम में इस्तेमाल कर लें तो ये रीयूजबिलिटी कहलाता है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस की डेफिनेशन कुछ इसी तरह ही है कि इनहेरिटेंस मीन्स टू रीयूज़ कोड ऑफ पेरेंट क्लास इन टू द चाइल्ड क्लास। मीन्स इफ़ वी हैव टू क्लासेस, क्लास ए एंड क्लास बी, तो अगर हम ए क्लास का कोड बी क्लास के अंदर अगर इस्तेमाल करें या उसको अगर ए क्लास के कोड को बी क्लास के कोड के अंदर लेकर आ जाए तो वो इनहेरिटेंस के थ्रू पॉसिबल है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस इज़ बेसिकली द रीयूजबिलिटी ऑफ कोड और द कोड विच इज़ कमिंग फ्राम द पेरेंट क्लास टू द चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो लेट्स क्रिएट एक क्लास बनाते हैं, क्लास ए फॉर एग्जाम्पल ए, और उसको उसके अंदर हम कोई कोई पब्लिक वैल्यूज रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इंटीजर ए, इंटीजर नहीं बनाते, लेट्स से कि void void एट का एक फंक्शन बना देते हैं या प्रिंट का कोई फंक्शन बना देते हैं, प्रिंट प्रिंट नेम फॉर एग्ज़ाम्पल, नाम प्रिंट करेगा ये कोई क्लास का, तो इसमें लिखा हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल कि दिस इज़ क्लास ए और ये क्लास मैंने यहाँ ओवर कर दिया एंड देन ये क्लास बंद हो गया। ठीक है, एक और क्लास बनाते हैं, क्लास बी। अब मुझे जो है वो ये कोड जो मैंने ऊपर क्लास बनाया ये वाला, ये जो क्लास में मैंने ये चीज़ रखी है प्रिंट नेम वाला, ये वाला कोड जो है ना मैं चाहता हूँ कि मुझे बी के अंदर चाहिए, इधर चाहिए। तो बी बी के अंदर एक तरीका तो ये है कि या तो मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करूँ इसके अंदर या फिर ये कोड दोबारा लिखूँ इसमें बैठ के मैं। अब क्योंकि ऐसा तो कोई तरीका है नहीं कि मैं ये कोड दोबारा लिखूँ या कॉपी पेस्ट करूँ, तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं इस क्लास के साथ इनहेरिटेंस कर लूँ, तो फिर जो भी क्लास इसके अंदर अवेलेबल होंगे, जो भी फंक्शंस और वेरिएबल्स अवेलेबल होंगे वो सारे मेरे क्लास के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो क्लास बी और ये तरीका है कॉलन साइन, इसके थ्रू आप इनहेरिटेंस करते हैं, आप लिखेंगे पब्लिक ए, इसको इट मींस कि आपके साथ पब्लिक इनहेरिटेंस करना चाहते हैं, विच मींस कि इसके जितने भी पब्लिक फंक्शंस हैं, पब्लिक वेरिएबल्स हैं, सारे आप क्लास बी के अंदर इस्तेमाल करेंगे और ये पब्लिक के अंदर हम इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इसका अपना एक और फंक्शन भी होगा जिसका मैं नाम रख रहा हूँ कि प्रिंट बी फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये प्रिंट करेगा कि इसको जब हम कॉल करेंगे तो ये प्रिंट करेगा दिस इज़ क्लास बी। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि इसके अंदर कितने जो है वो फंक्शंस हैं, तो क्लास बी के अंदर दो फंक्शंस हैं। ठीक है, एक तो ये फंक्शन है जो आपने यहाँ बनाया है ऊपर प्रिंट नेम के नाम से, विच इज़ इन द ए क्लास। अब क्योंकि ए क्लास की इनहेरिटेंस बी के साथ की गई है तो इसलिए ऑटोमेटिकली ये वाला फंक्शन इसके अंदर भी आ गया होगा बी के अंदर, और इसके अंदर इसका अपना भी एक फंक्शन है जो प्रिंट बी के नाम से है और ये है दिस इज़ क्लास बी जो प्रिंट करता है। तो अब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है, जो होगा हमारा बी क्लास का, और उसके थ्रू हम मैं दोनों फंक्शंस ए और बी के कॉल कर सकूंगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इनहेरिटेंस का क्या फ़ायदा होगा कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट और पेरेंट क्लास के जो फंक्शंस या वेरिएबल्स हैं वो इधर कॉल हो सकेंगे। तो अब हम एक क्लास क्रिएट की थी, उसका नाम रखा था क्लास बी, तो और ये उसका ऑब्जेक्ट है ओ बी जे, और मैं इसके अंदर से एड फंक्शन प्रिंट नेम फंक्शन, ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट नेम फंक्शन और ये ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट बी फंक्शन कॉल करूँगा। अब देखें, ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है इस क्लास का, चाइल्ड क्लास का, और इसके पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने नहीं बनाया। ए क्लास जो है वो चाइल्ड पेरेंट क्लास है और ये चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड क्यों? क्योंकि ये इससे ड्राइव हुई है, इससे बनी है, बी क्लास बनी है ए क्लास से, तो ये इससे ड्राइव हुई है, तो इसलिए बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और उसमें से दोनों फंक्शन कॉल किए हैं। देखें,
ये पेरेंट का फंक्शन है प्रिंट बी, और ये इसका चाइल्ड का अपना फंक्शन है प्रिंट बी। तो ये प्रिंट नेम पेरेंट का और ये प्रिंट बी चाइल्ड का, दोनों कॉल हो रहे हैं फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ द चाइल्ड क्लास। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, देखें कि जो चाइल्ड क्लास है उसके पास पेरेंट क्लास के फंक्शंस भी आ गए हैं, और उसके पास अपने एक फंक्शन है प्रिंट बी के नाम से, वो भी इसके अंदर आ गया है, और दोनों इसी के ऑब्जेक्ट से कॉल हो रहे हैं। तो ये रीयूजबिलिटी ऑफ कोड के लायक है कि आप चाइल्ड क्लास के अंदर रीयूज कर रहे हैं पेरेंट क्लास का कोड जो आपको लिखना नहीं पड़ता। अच्छा, इनहेरिटेंस में कौन सी चीज़ें रीयूज होती हैं? तो पब्लिक, अगर आपने कोई भी डेटा बनाई है, पब्लिक वेरिएबल्स बनाए हैं, पब्लिक फंक्शंस बनाए, कंस्ट्रक्टर्स बनाए, तो वो ड्राइव होके आ जाते हैं आपके चाइल्ड क्लास के अंदर। बाकी वो वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्टर्स, फंक्शंस जो प्राइवेट बनाते हो, वो आपके चाइल्ड क्लास के अंदर ड्राइव नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इनहेरिटेंस में सिर्फ पब्लिक और प्रोटेक्टेड जो होते हैं वो ड्राइव होके आ जाते हैं चाइल्ड क्लासेस के अंदर, बाकी जो प्राइवेट होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पेरेंट क्लास के अंदर ही होते हैं, एक्सेसिबल नहीं होते। तो अभी अगर इसको मैं एक्सेस करना चाहूँ तो मैं इसको सेव एज करता हूँ और इसको रन करके देखेंगे कि ये देखें क्या कहता है। तो लेट्स से, तो इसको रन किए, कंपाइल किया मैंने और रन किया, तो देखें पहले ये मैसेज दिखा रहा है दिस इज़ क्लास ए, और उसके बाद दूसरा आ रहा है कि दिस इज़ क्लास बी। ठीक है, तो ये क्लास ए जो है वो इसको कॉल कर रहा है और ये क्लास बी जो है इसको कॉल कर रहा है, और हमने ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट चाइल्ड का बनाया, पेरेंट का मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, लेकिन इसके बावजूद मैं पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटीज़ को यहाँ कॉल कर सकता हूँ। तो ये जो मैं कॉल कर रहा हूँ दिस इज़ बेसिकली दिस इज़ पेरेंट क्लास फंक्शन, ठीक है, और ये जो है ये दूसरा, ये चाइल्ड क्लास का फंक्शन है। ठीक है, चाइल्ड क्लास फंक्शन, और ये असल में जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है दिस ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का है, तो ऑब्जेक्ट इज़ ऑफ चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो चाइल्ड क्लास के थ्रू मैंने देखें पेरेंट का और चाइल्ड का दोनों का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। तो ये इनहेरिटेंस का एडवांटेज है कि आप एक बार किसी चीज़ को बना दें और उसको अगर दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं किसी और प्रोग्राम के अंदर, तो उसके साथ इनहेरिटेंस कर लें एंड देन यू कैन यूज़ इट। आई होप इट्स क्लियर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में पोस्ट करें, आई विल आंसर यू। थैंक यू।